Assalamualaikum guys, welcome back to Shmajan. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे. मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. और उम्मीद करती हूँ ये साल सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो और आप लोगों के लिए भी अच्छा हो. और आज आप लोगों ने थंबनेल से तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. मुझे काफ़ी टाइम हो गया था जाना है और आज मुझे टाइम मिला तो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए. और मेरा बहुत और वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा चलते हैं फटाफट, टाइम निकालते हैं और निकल पड़ते हैं. मैं, अमार, मम्मा और खाला जा रही हैं और बस टाइम हो चुका है. जाने में भी टाइम लगना और आने में भी बहुत टाइम लगना. वहाँ पे भी बैठ के हम बातें शातें करेंगे और जो करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. और बस चलते हैं, तैयार होती है और नाश्ता तो मैंने कर लिया है. अब बस तैयार होती है, निकलते गाड़ी में बैठ के फिर आपसे मिलते हैं. बाय बाय. अच्छा जी, मेरी बहुत ही प्यारी बहन बहुत ही प्यारी जगह से आई है, मुझे साथ मौजूद माँ जी भी आई है. चैनल का नाम है फैमिली मिला, ये देखिए. जी गाइस, फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गई, साथ मेरे खाला है, मम्मा. बहुत ठंड लग रही थी उनको. वहाँ पे जाके मोलते हैं क्या करते हैं अभी. यहाँ पे इतनी ठंड है, काफ़ी टाइम लग जाता है उनके घर तक जाने में. और ये भी हम गाड़ी में थी, खाला कॉल पे बात कर रही थी और मैं छोटी सी क्लिप्स बना रही थी व्लॉग की. और ये ने जी गैस, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई. हम लोग रच्छा भाई के घर आ गए हैं. माशाल्लाह कितनी प्यारी तस्वीर, इतने अच्छे लोग. और ये रहे हमारे रच्छा भाई जिनकी हम इतने बड़े फ़ैन हैं. और फाइनली हमारी उनसे मुलाकात होगी. और वो घर पे थे, इतना अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा वेलकम किया, इतने प्यार से हमारे साथ बात की. कोई इतना टाइम नहीं देता, कोई इतना प्यार नहीं करता जितना रच्छा भाई की फैमिली ने. रच्छा भाई ने हमें इतने अच्छे तरीके से बातें की और इतना प्यार हमें दिया. और मैं काफ़ी टाइम उनसे बातें करती रही. यहाँ पर मैंने वॉइस बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो बातें की बहुत अच्छा टाइम हमारा उनके साथ गुजरा. और मैं कुछ गिफ्ट लेके गई थी फ्लावर्स से और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो घर पे होंगे कि नहीं. छोटा सा मैं गिफ्ट भी लेके गई थी उनके लिए और उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुए. और आंटी के लिए भी मैं गिफ्ट लेके गई थी. मैं यहाँ पे उनको गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिए जो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए मैं गिफ्ट लेके आई थी. और उन्होंने इतने अच्छे से हमारे साथ बात. आंटी भी बहुत अच्छी हैं, सब उन्हें माँ जी कहते हैं. और भी सीरियसली वो वाकई में ही अच्छी हैं. और अंकल भी बहुत अच्छी हैं. और ये देखे मैं बातें करती रही कि ये मेरा कज़न है. मैंने सबके साथ इनकी बात करवाई क्योंकि हमारी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है. तो जॉइंट फैमिली सब चाहते थे कि हम रज्जब भाई को मिलें. तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं अभी नहीं, हम पहले मैं मिल के आऊँ. तो फिर मैंने कहा कि रज्जब भाई हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं, सब बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, टीटू पार्टियाँ लगाते रहते हैं, बीच में इस तरह की बातें करते रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं. यहाँ पर अपनी काफ़ी लंबी स्टोरी उनके साथ शेयर करने लग गई थी जिसमें मुझे आधा घंटा लग गया था उनसे बात करते करते. मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि मेरा कैमरे की जो वॉइस है ना वही बंद हो गई, इतनी खुश थी. और ये भाई है ना अपना प्रोटीन शेक पी रहे हैं और अभी उठे ही थे तो फौरन बाहर आ गए कि भाई बहन आई है, बहन से मिले. इतना अच्छा और इतने प्यार से वो मिले हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. बहुत अच्छा यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छा बेटा है. और हर किसी को टाइम ज़रूर देते होंगे लेकिन जो इन्होंने मुझे टाइम दिया ना, सबसे ज़्यादा मेरे लिए टाइम इन्होंने निकाला और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया. और जैसे ही हम लोग वीडियोज़ में देखते ना रज्जब भाई को, सेम वैसे ही है, इनकी फैमिली भी वैसे ही है. ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ और इतने प्यार से इन्होंने मेरी बातें सुनी. मैंने आज तक मैंने कि बीबी आप मुझे भेजोगी तो मैं भेजूंगी. आज तक मेरे पास मेरे चांदी की बनवा के सबको तकसीम क्यों. मैंने आज तक नहीं पहनी कि बीबी जब आप मुझे भेजोगी मैं फिर पहनूंगी. और अभी तक मेरे पास नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आई है. ये ईरानी चांदी है तो आप देंगे तो मैं मन भरी ले आती हूं. ये ना मुझे भी हाथ मोटे है, मेरे अबू की तरह हाथ मोटे है. अच्छा ये मुझे मेरी बीबी की तरफ से आया. देखो अगर साइज बड़ा जाए तो मेरी नहीं, मैं साइज में मम्मा के तो मेरी इसलिए भी नहीं आ रही. नहीं मैं साइज तो नहीं आ रही. मैं 3 साल हो गए मुझे ये तकसीम करते हुए दी क्यों. ये देखिए जी हमारे लिए जूसेस आए हैं. हमारे तुम पहले अपना लो, फिर बाद में अपना तुम खाए. बहुत पसंद है मेरी मम्मा, बहुत मजे के बनाती है. पाई 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 वो इसलिए मजे के बनाती है मम्मा. चले मम्मा आगे पकड़े मम्मा पाई पाई. आप उसके साथ काट लो केक में. भाई ये आपसे है, ये आपने कट करना है.
भाई ये तबरक भी हैं आप। थैंक यू सो मच मां जी, बहुत शुक्रिया। चलो जी ओके, बन रही भी वीडियो करें शुरू जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच। ये निमसा के 500 के हो गए हैं। ओके निमसा, ये लोग खा भी लो। आ करो आ करो। ओए 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 ओए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे ये तो खा जाएगी। थैंक यू सो मच जी। आपके चैनल का नाम क्या है? अच्छा जी, ये मेरी बहुत ही प्यारी बहन बहुत ही प्यारी जगह से आई है, साथ हमारी माँ जी भी आई है। इनके चैनल का नाम है इश्मा गुल और 500 के का केक लेके आई है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर रजब फैमिली मेरा ये क्लिप देख रही है तो इनको लाइक करें, कमेंट करें और इनका चैनल जो है वो मोनेटाइज करवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इनको। और मेरी तरफ से शुक्रिया भी इनको अदा कर दीजिएगा। और ये माजी बहुत प्यारा नोट लेते हैं, न्याजे मामे जमाना, ये मौला की बीबी के नाम की चादर भी आई है और रिंग भी है उमा की। एज इट इज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर चलते रहेंगे तो काम अच्छे से अच्छा चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतनी सर्दी में कोई आ गया बात है, मैं तो टीम में सोया था। जी गाइस, फाइनली मैं रजब भाई के घर से आ गई हूँ। खाला और मैं बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत स्वीट है और बहुत अच्छा लगा हमें रजब भाई से मिलके। अब मैं जा रही हूँ घर, टाइम बहुत हो गया और जाते जाते भी टाइम लगेगा। जैसे जब घर पहुँचेंगे फिर जो करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। जी गाइस, फिर घर आके मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने मूवी देख ली और जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं तुर्की के, मैंने उनकी मूवी देखी। और इधर ही मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।